अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के अंदर अगर व्लॉगिंग की बात करें तो डक्की भाई की तरह कोई भी व्यूज नहीं ले रहा। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ डक्की भाई ने कौन कौन से स्टेप्स आपको बताए जिनको आपको फॉलो करने हैं, जिनसे वो व्यूज लेते हैं और जिनसे आपके व्यूज आ सकते हैं। आपको पता है कि जब से उन्होंने गंज कराया तो वो जो है ना ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं भाई, तो वो ट्रेंडिंग में कैसे जाते हैं वो सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ और उन्हीं की जुबानी भी बताने वाला हूँ। तो आपने ये नहीं कहना कि भाई सिर्फ आप बोलेंगे, नहीं, डक्की भाई खुद बताएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो है वो पहले नंबर पर उनकी टिप आती है कि भाई जो आपकी वीडियो होगी उसका आपने इंट्रोडक्शन ऐसा दे कि वो काफी जानदार होना चाहिए, ठीक है। अब ये खुद सुन ले, आप वीडियो की स्टार्टिंग इस तरह की रखो कि जो है ना लोग एंड तक आपकी वीडियो देखें, आपको वॉच टाइम दें। तो इनका मतलब यही है कि आपने जब भी इंट्रो देना है तो उसमें आपने ये नहीं करना कि भाई नॉर्मल से ऐसे बैठ के आप कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम आज हम बताएंगे आपको, ऐसा नहीं। आपका इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए कहने के एक रिदम के साथ होना चाहिए, एक आप में एनर्जी होनी चाहिए ताकि जो भी आपका व्यूवर है वो प्रॉपर जो है ना वो आपकी वीडियो देखे और उसका आपको वॉच टाइम मिले, ठीक है। ये पहली टिप है कि आपने इंट्रोडक्शन को इतना इंटरेस्टिंग जो है वो बनाना है, क्योंकि हमने देखा कि लोग इसी तरह कर रहे होते हैं कि आज जो है वो हम लोग ये करने वाले, ऐसा नहीं। कुछ ना कुछ उसमें आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए या कोई ना कोई आप जो है स्टोरी हर दफा बनाया करें ताकि लोगों को हो कि यार ये जो है ना बड़े मजे का स्टार्ट करता है वीडियो, ठीक है। तो ये चीज आपके व्लॉगिंग के अंदर बहुत लाजमी है। नंबर सेकंड जो टिप आती है वो आती है ऑडियंस एंगेजमेंट को लेकर और सेकंड टाइटल एंड थंबनेल्स को। जब मैं आपको कहता हूं थंबनेल भाई अच्छा करो, टाइटल को अच्छा लिखो, आप कहते हैं कश भाई इन चीजों से कुछ नहीं होता, डक्की भाई देखे कितने व्यूज ले रहे हैं। तो अभी डक्की भाई की जुबानी भी सुने। दूसरा थंबनेल, तीसरा टाइटल, मैं इन तीन चीजों को मिला के चलता हूं। तो यहाँ पर डक्की भाई भी यही कह रहे हैं कि आप अपने थंबनेल्स को जो है वो अच्छा करें। अब थंबनेल्स को अच्छा कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि पीसी या लैपटॉप पे थंबनेल को बनाना है और वो आप फोटोशॉप के थ्रू बनाएंगे। वो इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो है वो आपको फ्री हैंड मिलते हैं, आप अपनी मर्जी के जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आप कैनवा या बाकी कहीं जाते हैं तो उसमें नुकसान ये होता है कि वहां पे टेम्पलेट्स होते हैं, तो टेम्पलेट्स में नहीं जाना, अपना थंबनेल खुद डिजाइन करना है। साथ ही साथ एक ऑप्शन दूंगा, अगर मोबाइल पे करना चाहते हैं तो पिक्सेल लैब को अच्छी तरह से सीख लें और आप फिर इससे भी अच्छे थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ टाइटल को भी आपने ऐसा रखना होता है, अगर मैं व्लॉग की बात करूं तो उसमें आपने जो है वो थोड़ा सा जो है ना इंटरेस्टिंग टाइटल रखना होता है, नॉर्मल सा लिखना होता है। लेकिन अगर आप एजुकेशनल चैनल चलाते हैं तो फिर आपको एसईओ बेस्ड जो है वो टाइटल लिखना होगा, ठीक है। वीडियो की स्टार्टिंग भी थोड़ी लंबी कर दूं या इसमें कर दूं तो लोग शायद वीडियो छोड़ चले जाए, और यूट्यूब जो है वॉच टाइम को काफी हद तक प्रेफर करते हैं। वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट, समवेयर अराउंड 8 से 12 मिनट ये आप मिड में रखें। नंबर 3 जो टिप आती है जो कि डक्की भाई की तरफ से, वो है वीडियो की लेंथ को लेकर। आपकी जो वीडियो की लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 8 से 12 मिनट की। 8 से 12 मिनट की लेंथ इस वजह से होनी चाहिए कि नंबर 1 इसमें जो है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मल्टीपल एड्स लग जाते हैं, नंबर 2 इसमें ये होता है कि आपको जो है वो वॉच टाइम ज्यादा मिलता है। ऑडियंस रिटेंशन एक चीज होती है और एक एवरी व्यू ड्यूरेशन होता है। एवरी व्यू ड्यूरेशन आपको जितना ज्यादा मिलेगा, यानी 50% ज्यादा लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो है ऑडियंस रिटेंशन 4 मिनट का बनता है और ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो जो है वो वायरल जाती है। किसी भी चैनल को आप देख लें, जो एक अच्छा चैनल होता है उसका जो एवरी व्यू ड्यूरेशन होता है तकरीबन 40 या 30% से ऊपर ही होता है। इस वजह से जो है ना वो काफी ज्यादा व्यूज आते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपनी वीडियो 8 से 12 मिनट की बनानी है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर ये भी है कि आपने ये नहीं करना कि आपने जबरदस्ती लेंथ खींचनी है, जितनी वीडियो आपकी बन रही हो उतनी बनाएं, ये सबसे बेहतरीन इसका आंसर है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट नंबर पे जो चीज आती है वो ये है कि भाई डक्की भाई या कोई भी यूट्यूबर आप देखते हैं वो घूमता फिरता रहता है या फिर जो है ना व्लॉग्स कर रहा होता है और वो ये अपने जो व्लॉग्स कर रहे होते हैं ना, आज मैं इधर गया आज मैं उधर गया, वो इस वजह से नहीं कि पहला दिन उन्होंने यही व्लॉग किया और फेमस हो गए थे, वो इस वजह से कि एक तो उनका जो है वो व्लॉग करने का सेंस ऑफ ह्यूमर डिफरेंट है आम बंदों से, ठीक है। क्योंकि हमारे आम लोग कर रहे होते हैं कि आज जो है ना वो मैं पेपर देने जा रहा हूं, ठीक है, मैं अभी खाना खाने जा रहा हूं, लेकिन इनके व्लॉग को आपको पता है कि एक डिफरेंट सी स्टोरी होती है। जैसे अब उन्होंने गंज कराई है तो लोगों ने काफी ज्यादा जो है ना वो हाइप मचा दी और ट्रेंडिंग में चले गए, तो इस तरह से ये स्टोरीज क्रिएट करनी पड़ती है। या फिर अगर आप हैं तो आपने क्या करना है कि आपने कुछ फेमस प्लेसेस पे, कुछ फेमस जगहों पे जाना है, या फिर आप कुछ फेमस लोगों के साथ मिल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि कुछ फेमस चीजों के बारे में बात कर सकते हैं अपने व्लॉग के अंदर, जिससे आपको स्टार्टिंग के व्यूज मिलेंगे, फिर आप अपनी पहचान बना सकते हैं। पहले दिन ये नहीं करना कि भाई मैं जो है ना वो कायदे आजम के मजार पे जा रहा हूं, आप ऐसे लिख सकते हैं थंबनेल के कायदे आजम के मजार पे अजीब वाक्या हो गया देखें इस वीडियो में, या फिर अचानक फला चीज होगी, ठीक है। या आप कोई भी कायदे आजम के मजार नहीं कर, कोई भी और जगह पे भी आप जाते हैं तो आप जो है ना उस जगह की अगर वीडियो बनाते हैं और या उस जगह को बीच में ले आते हैं जो फेमस हो ऑलरेडी, तो लोग आपकी वीडियो देखेंगे। अगर आप ये कहते हैं मैं इधर गया तो आपको ऑडियंस अभी जानती नहीं है, तो इस वजह से आपके व्यूज नहीं आएंगे। आई होप सो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपने डक्की भाई के मुंह से भी वही चीजें सुन ली जो हम लोग कह रहे होते हैं। ऑडियंस रिटेंशन पे फोकस करें, वॉच टाइम पे फोकस करें, इससे जो है वो क्या होगा कि आपको इंट्रो अच्छा देना होगा, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग बनानी होगी, फिर आपको आउट्रो भी अच्छा देना होगा, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं KM YouTube को। अल्लाह हाफिज़।